हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी ने कभी ना कभी एक बात नोटिस की होगी कि जब भी आप एक अपना नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आपका जो पुराना स्मार्टफोन होता है उसका जो डाटा होता है उसको ट्रांसफ़र करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और वो डाटा कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसफ़र करना। जैसे आपके कॉन्टैक्ट्स हो गए, आपके कुछ PDF फाइल्स हो गई, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होता है और उसको आपको मूव भी करना होता है। जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं या फिर हम कुछ ऐसे एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, जैसे शेयर इट हो गया, जेंडर हो गया, ऐसे एप्लीकेशंस को यूज़ करके अपने डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं अपने ओल्ड मोबाइल से अपने न्यू मोबाइल के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरनेट होता है या फिर हमारे जो मोबाइल की बैटरीज होती हैं वो भी कहीं ना कहीं खर्च होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी जानते हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं और आज हमारे पास एडवांस मोबाइल आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अपने मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन देखा होगा क्लोन फ़ोन का। तो फ्रेंड्स, आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ये क्लोन फ़ोन का ऑप्शन है क्या, कैसे ये ऑप्शन काम करता है और कैसे आपके लिए कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा फ़ोन क्लोन ऑप्शन की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ऑप्शन है ये आपको मदद करता है आपका जो डाटा होता है यानी कि आपकी फाइल्स होती हैं उनको ट्रांसफ़र करने में आपके एक मोबाइल से आपके दूसरे मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे आप अपने कंप्यूटर के साथ करते हैं, जैसे उसमें कोई फाइल डिलीट हो गई आप उसको रिकवर करते हैं, ऐसे ही आप इसको समझ सकते हैं। आपका आपने सुना होगा जो ऑनलाइन स्टोरेज होता है, ऑनलाइन क्लाउड होता है, क्लाउड स्टोरेज होता है, उसी की तरह ये भी काम करता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि वो जो ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज होता है वो ऑनलाइन काम करता है, यानी कि अगर आपको कोई फाइल एक्सेस करनी है या फिर डाउनलोड करनी है तो आपको उसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन क्लोन ऑप्शन की, तो इसमें आपको एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में आप किसी भी डाटा को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमारा फ़ोन किन्हीं भी वजह से या कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं होता, या फिर जो बैटरी कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, यानी कि ज़्यादा देर तक उसकी बैटरी चलती नहीं है। ऐसे में अगर आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए लाइक जेंडर या फिर शेयर इट, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, आपकी बैटरी को भी खर्च करते हैं। तो इसकी वजह अगर आप एक फ़ोन क्लोन ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, यानी कि कुछ मिनट लगेंगे आपको, उन कुछ मिनटों के अंदर आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। वहीं अगर मैं बैटरी यूजेज की बात करूं तो आपको उसमें बहुत कम यूजेज देखने को मिलेगा, इवन आप उसको स्टैंड बाय मोड पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप फ़ोन क्लोन ऑप्शन का यूज़ कर सकते करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके जो डैमेज मोबाइल है या फिर कोई प्रॉब्लम्स के साथ, तो उसके लिए आपको फ़ोन क्लोन ऑप्शन का यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ़ोन क्लोन का ऑप्शन जो आता है वो होता क्या है, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर उसका काम क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं आप उनको मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।